हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और फरीदाबाद के सेक्टर 16 के मार्केट में आजकल गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोग गंदगी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक टॉयलेट नहीं होने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी की वजह से न सिर्फ यहां खरीदारी के लिए आने वाले लोग परेशान हैं, बल्कि आसपास काम करने वालों को भी गंदगी जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से साफ सफाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। जगह जगह यहाँ गंदगी पड़ी होती है, कई कई दिन हमारे पार्किंग एरिया में भी यहाँ पर इवन ना मार्केट के सामने सफाई नहीं होती है, झाड़ू तक नहीं लगती है। सामने पुलिस का बैरिकेडिंग है, हर वक्त यहाँ पर पुलिस के सिपाही खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साफ सफाई का कोई खास इंतजाम नहीं है। यूपी में चले जाओ, जगह जगह आपने देखा शौचालय खुले हुए हैं, यहाँ शौचालय है ही नहीं, लोग बाहर करते रहते हैं। तो दिस शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें हैं नहीं। इतनी ज़्यादा गंदगी है कि जिसके हम कह नहीं सकते। लोग परेशान हैं यहाँ बैठने के लिए, मतलब कोई सफाई नहीं है, ना कोई केयर है, मतलब स्वीपर तक नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ के यार अब जेंट्स उनके लिए टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर।